पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की 13वीं पासिंग आउट परेड कराची में रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर सुपर हाईवे पर मुनक्किद हुई। पाकिस्तान रेंजर्स में पहली दफा 21 खवातीन ने शमूलियत इख्तियार की, जबकि 140 जवानों ने BRC ट्रेनिंग हासिल की। वफाकी मुशीर दाखला रहमान मलिक पासिंग आउट परेड के मेहमान खुसूसी थे। रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वफाकी मुशीर दाखला ने पासिंग आउट परेड के मौके पर खिताब करते हुए कहा, एक बात तो तय है कि दहशतगर्द जो हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इसमें कोई किसी किस्म की डिस्प्यूट नहीं है, क्योंकि दहशतगर्द वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता है या इंडिया में करता है या दुनिया के किसी कोने में करता है, पाकिस्तान उसको ना बल्कि कंडेम करता है, बल्कि हम सफर कर रहे हैं उस दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आप देखेंगे हमारा, हम खुद एज ए बसियत कौम रोज हमें सफरिंग मिल रही है इसकी। डीए खान में देखें ये कौन सा इस्लाम है जो इस वक्त जो भाई जो हमारे कहते हैं कि हम इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, ये अपने बहन भाइयों को खुद कुछ हमले करके ये खिदमत कर रहे हैं। हम तो इंडिया से भी अपील करते हैं, दुनिया से भी अपील करते हैं, देखें हम खुद दहशतगर्दी के शिकार हैं, और कोई अगर दहशतगर्दी के लिए हमारा मुल्क इस्तेमाल करना चाहेगा तो हम कभी भी उसकी इजाजत नहीं देंगे। इस मौके पर DG रेंजर सिंह लियाकत अली और रेंजर्स के आला हुक्काम पुलिस के आला हुक्काम भी मौजूद थे। पासिंग आउट परेड के बाद रेंजर्स में शमूलियत इख्तियार करने वाली खवातीन ने खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, रेंजर्स में आने का मकसद सिर्फ फोर्स को ज्वाइन करना नहीं है, अपने मुल्क को काम के लिए कुछ कर दिखाना है, कुछ करना है। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, आई एम प्राउड टू बी एन सोल्जर। मैं तो यही कहूँगी कि सबसे ज्यादा रेंजर्स को ही प्रेफर करूंगी, क्योंकि हम लोग बीइंग अ लेडी और आई एम फोर्स मेंबर, तो मेरे ख्याल में ये सबके लिए बेस्ट होगा कि वो आएं और इसको ज्वाइन करें। जबकि पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेने वाले कैडेट की फैमिलियां भी इस मौके पर मौजूद थीं। कैमरामैन GA रफीक के साथ चांद नवाब, इंडस न्यूज़, कराची।